दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ टाइम में YouTube स्टूडियो को डेस्कटॉप वर्जन में ओपन किया होगा, यानी अगर आपने इस तरीके से YouTube स्टूडियो ओपन किया होगा, तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ मिला होगा। अब इसमें ऑटो प्ले, व्यूज, CTR, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, तो इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है हम वो भी समझेंगे। और साथ में दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नोटिफिकेशन एक तरफ से तो हमारे लिए अच्छा है, यानी हम YouTube क्रिएटर्स के लिए, और दूसरी तरफ से ये खराब भी है। अब ये अच्छा और खराब दोनों कैसे है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में तो बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, तो हम इसको रहने ही देते हैं और बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो गाइस देखिए, अभी से कुछ टाइम पहले प्लेबैक इन फीड्स का ऑप्शन आपको मिला होगा, और अगर सेटिंग्स में जाके इसको ऑन कर देंगे तो होम पेज पे जो भी आपकी वीडियोज होंगी वो अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएंगी इस तरीके से। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका साउंड भी ऑन कर सकते हैं, साथ में अगर सबटाइटल्स है तो उसको भी ऑन कर सकते हैं, यानी ऑल इन ऑल आप पूरी वीडियो को बिना उस पर क्लिक किए देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप डेस्कटॉप में YouTube को ओपन करेंगे और अगर कर्सर को किसी भी वीडियो पे लेके जाएंगे तो वीडियो अपने आप इस तरीके से प्ले होना शुरू हो जाएगी। न पहले इस तरीके से अगर कोई वीडियो चलने लगती थी तो उसके व्यूज काउंट नहीं होते थे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यही कहा गया है कि अब अगर होम पेज पे इस तरीके से वीडियो कोई ऑन हो गई तो उसके व्यूज भी काउंट होंगे और उसका CTR भी काउंट होगा, यानी ऐसा माना जाएगा कि आपने इस वीडियो पे क्लिक करके इसको देखा है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे है। तो देखिए, पहले अगर इस तरीके से होम पेज पे कोई वीडियो ऑन हो जाती थी तो उसके व्यूज तो काउंट नहीं होते थे, लेकिन अब उसके व्यूज काउंट होंगे और साथ में उसका CTR भी काउंट होगा, तो आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और CTR भी बढ़ेगा, और ये दोनों ही चीजें आपकी वीडियो को बूस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये इसमें हो गई पॉजिटिव चीज। अब हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव क्या है। तो देखिए, जब भी होम पेज पे इस तरीके से वीडियो प्ले होती है तो उस पे एड्स नहीं आते, यानी अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड होगा तो होम पेज पे इस तरीके से आपको जितने भी व्यूज आएंगे उस पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और यही था इसका नेगेटिव पार्ट। तो अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें आपको YouTube से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको यूज करके आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने चैनल को और ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखिएगा।